नादिया खान। नादिया आदाब, बैठ गए, जरूरत से ज्यादा प्यारी लग रही है। हाँ। वही कॉमेंट है जो मैं अच्छा दूंगा पूरे से। अच्छा। शाइस्ता है, शाइस्ता लोधी जो साहिल लोधी की भाई बहन है, वो आपको कंपटीशन देती है? बहुत बदतमीज आदमी हूँ भाई। ऑलवेज रहता नहीं हूँ ना पाकिस्तान में। नहीं नहीं नहीं, इसमें बदतमीजी की बात नहीं है, शी इज सो टैलेंटेड। अच्छा, दोस्ती है आपकी शाइस्ता? हाँ। कभी फोन करती कैसी हो शाइस्ता? हाँ, हाँ, फोन रखती है शाइस्ता? निदा कुछ करती नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स हैं, कोई भी ना, मैं एक बात कैसे, गंदा लफ्ज है कोई कह दे, इसीलिए तो शो बनाया है। थोड़ा सा कमीना इंसान ना, अच्छा मॉर्निंग शो है। कमीना कोई गंदा लफ्ज है? मेरे लिए बहुत है। अच्छा, तो निदा यासर की क्या रेटिंग देती हैं आउट ऑफ 10? हाउ हाउ गुड मॉर्निंग शो उसकी सिर्फ बात। आई एम गिविंग यू टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। व्हाट टेस्ट? आई डोंट लाइक दिस टेस्ट। चेंज द मेडिसिन। चेंज द मेडिसिन। लाइफ में ऑलमोस्ट पैसा भी कमा लिया, मशहूर भी है, और क्या चाहती? मुझे कराची में प्लॉट चाहिए। तो आपने कभी फौज में जाने का ट्राई किया? My father is a retired colonel. तो फिर तो कुछ ना कुछ तो अंकल के पास एक आध। अब्बा ने मुझे कल परसों बताया मुझे डिप्रेशन होगी, मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मैं आजकल वही जब प्राइसेस देखती हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है। कराची में है 7 करोड़ की जमीन, 8 करोड़ की जमीन, ये कौन से फिगर? कब्रें इतनी महंगी। और अब्बा ने मुझे परसों बताया बेटा फेज 6 में मेरे ना 1000 गज का प्लॉट है। बस मैंने कहा अब्बा फिर कहाँ गया? मैंने बेच दिया 48,000 में। 1947 में बेच दिया? ऐसा ही था ना। अरे भाई, अगले शो में अपना हैशटैग करो अंकल को, जरा अंकल का देखो ये कौन से प्लॉट हैं जो 47,000 के बिक रहे हैं। ये उस तरह की 70s की बात, 60s 70s, वरना यहाँ पर भी लैंड क्रूजर है 3-3 करोड़ की है, मगर कुछ लोग 30 लाख में भी ले रहे हैं। अच्छा, कभी पड़ोसी मुल्क जो है हमारा, वहाँ से कुछ खबर आई? लेकिन वैसे किसी ने, महेश भट्ट ने कह दिया हो भाई आज मर्डर 3 बन रही है, किसी और फिल्म के लिए कहा था, लेकिन महेश भट्ट ने कहा था, लेकिन सबसे फनी ऑफर थी बप्पी लहरी की। उन्होंने क्या कहा? मेरा सोना खरीद लो। वो जिस बंदी से मिलते हैं ना उसको कहते हैं एक्सक्यूज मी, मैं आपका पता है आई एम मेकिंग फिल्म। अच्छा, यू वांट टू बी इन माय फिल्म? फिल्म बना नहीं रहे। अच्छा, वो लड़कियां कुछ नॉन पाकिस्तानी बड़ी खुश वहां की है, रियली है बप्पी, बप्पी टेक माय पप्पी, एक साथ भी। हरे को कहते थे ना, और मुझे भी पता है अच्छी तरह कि यार ये कौन सा प्रोड्यूसर है भाई। तो जब शो खत्म हुआ तो मैं जाने लगी, मुझे बात भी नहीं करनी थी उनसे। हट बक्की। It was like, excuse me. Oh my God. I make movie. You come in my movie? मैं कहा sorry, I'm not interested. Oh my. तो अब ऐसा करते हैं कि मैं तो कभी दर्जी बनता रहा हूँ, मैं दर्जी बनता रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता दर्जी बनने में। मैं पता क्या बनूँ? मैं वो नहीं होता है रात को जिसने कफ सिरप की पूरी बोतल पी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शाजिया बन जाता हूँ। मैं और मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँ? शाजिया के साथ? बहुत खतरनाक औरत है ये, तेज तर्रार, रहती कस्बा कॉलोनी में मगर है फेमिनिस्ट। बैट्स यू नो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, यू आगे क्रॉस कर रहा है तुम्हारा विजन एक दूसरे को। नहीं तो मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सामने मेरा खड़ी हो, इतनी प्यारी हॉट गर्ल। मेरा साया है, साया है वो मेरा बेवकूफ, इधर देखो हसीन। और जब मैं तुम्हें फील तो करूँ ना जाने मन। हाँ, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। इधर सामने है भी या नहीं भी है? अरे तुम कर क्या पाओगे, तुमसे वो पूछेंगे काजी साहब आपको कबूल है, तुम तो बोलोगे बोतल कहाँ है। अरे सुनो, तुम मेरे साथ ना बर्गर खाने चलोगी? तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी पागल खाना लगेगा। मैं तुम ना मेरे बर्गर खाने चलो, सीढ़ियों चला समंदर में जाएंगे। मैं नहीं मुकाबला कर पाऊंगा जॉनी वॉकर का भाई। बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बहन। ये बताओ इनमें से कौन सी अदाकारा ऐसी है जो तुम्हारी बुराइयां करती होगी? नाम दूंगा, शाइस्ता, सनम बलूच, हिरामानी, सब बुराइयां करती होंगी। करती होंगी, क्यों नहीं? निदा यासर नहीं करती होंगी वो तो आपकी लड़की, और सब लड़कियां बुराइयां करती हैं। आपने नहीं की? आपने लड़के नहीं पूछा, आपने कहा लड़कियां। हाँ, तो ये आप बुराइयां करती होंगी। लड़कियां सब करती हैं, ये हमारे नेचर में है। ये तुम्हारा ऐसे नहीं होते, लेकिन जब कोई घर में मेहमान आते थे ना तो एक आइटम पेश करना होता था। मैंने बड़े आइटम पेश किए। तकलीफ
आइटम जब आप घर में मेहमान वो आना ही जारी बात है। अब्बा की आवाज आती है, बेटा नादिया को बुलाओ। हाँ वो जेदी वाला वो आइटम करो। कहा मैं दिनवा में कब आएंगे सावरिया। अब वो अंकल बैठे हैं सीरियस, अब उनको हंसी भी नहीं आ रही। ये भी तो होता है, इसके भी नहीं थे ना मेहमान। एक होता ना मजेदार सीरियस सीरियस अंकल, गुड वेरी गुड। अगर फेमस ना होती क्या होती? मैं फिर भी फेमस होती। ऐसा क्या करने वाली थी नादिया? कुछ भी करती ना मैं। अगर मेरे टीचर्स कुछ अच्छे होते तो मैं बहुत पढ़ती आगे। तो टीचर अच्छे नहीं थे? तौबा। क्या करते थे ऐसा? मारते थे? नहीं, बस क्लास से निकाल देते थे। मेरा स्कूल शुरू ही होता था। कंपटीशन से टीचर आती थी, गेट आउट। आते ही? हाँ। सवाल जवाब भी नहीं? नहीं नहीं, बाहर। ये क्या बात हुई? नहीं बस भाई, इसमें कोई कहानियां बता नहीं रही है। टीचर ऐसा कभी हुआ है? टीचर आई तुम बाहर? मैं क्लास में हूं, बाहर नंबर फिर भी नंबर आ रहे। वाह। उस पे उनको लड़कों के नहीं मेरे एग्जाम बाहर। अब क्लास से बाहर खड़ी तो फारिक तो नहीं खड़ी रहती होंगी ना भाई? बाहर खड़ी लड़के आ रहे हैं, नादिया ये रख लो। नहीं नहीं मेरा मैंने अच्छा एक फिजिक्स का टीचर फेल कर दिया। गई मैं, मैंने कहा सर मैंने छापा है बकायदा रट के, आप मुझे कैसे फेल कर सकते हो? अभी तो मैं रट के आई हूँ। कहते हैं मुझे आपके बाल पसंद नहीं है। अरे ये क्या मतलब? ये हाईलाइट, अच्छी लड़कियाँ हाईलाइट नहीं कराती। अच्छी लड़कियाँ तो अच्छी लड़कियाँ क्या कराती हैं? मैं अगले दिन जाके और हाईलाइट करा ली। मैं हुई नहीं अच्छी। क्या मतलब? सही बात। अगले दिन गई फिर वो सर खड़े, मैंने कहा सर ने हाँ आप दे देता हूँ नंबर। इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? ये मत पूछो। अच्छा ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एक्टिंग करनी ही नहीं चाहिए? उर्वा हुकेन, हुसैन कुकी क्या है जो भी है, आयशा उमर, अरमीना राना खान जो भी नाम है ये, और इमरान खान। अब बॉलीवुड में एक्टर है ना वो इमरान खान। अच्छा आप ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमारे लीडर की बात कर रहे हैं। आप भी मेरे लीडर की बात कर लें, कहते हैं एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। मैं तो नहीं माइंड करूंगा, हम तो खुले दिल वाले हैं। हमें पता है हमारा लीडर कैसे है। ये कौन है अताप भाई? नहीं बहुत बदतमीज से भाई, हमने तो रहने कराची में सुकून से, इनविजिबल, नो कमेंट्स। अच्छा तो किनको छोड़ देनी चाहिए? कौन है जो जरूरी एक्टिंग आती हो तो काम मिलेगा? अच्छा यानी कि क्या आता हो फिर इसका, उससे क्या ताल्लुक है कि ड्रामे कर रहे हैं तो एक्टिंग आनी चाहिए आजकल? तो मैं किस किस को कहूँ के छोड़ दे एक्टिंग? भाई मैं काम करता हूँ, तीनों को चारों को लिख देता हूँ छोड़ो। अजीब सा पेडेंटिक सा सवाल है, हर मॉर्निंग शो में ये सवाल पूछा था, प्यार क्या है आपके लिए? प्यार मैं उसी तरह पूछूंगा। जरा साहिल लोधी टच आ जाए। साहिल प्यार क्या है तो? प्यार अभी होना है, अभी भी होना है। उस वाले की बात करो। अच्छा वो अभी भी होना? हाँ, टिका के प्यार एक होना है। एक नंबर वन चैनल है पाकिस्तान का, उस पे आपने गेम शो किया, करोड़ों रुपए आप यूं यूं करके बांट रही थी, यूं यूं करके, किसी को मिला वो करोड़ रुपया? मैंने नहीं देखा। क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। क्या 1 करोड़ रुपया ये मिलते हुए देते ही नहीं है वो? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं बस कुछ, इसलिए मैंने कहा जो नजर नहीं आ रहा उसके बारे में बोलूं क्यों? शक की निगाह से बासित हैशटैग करो, मशकूक हरकतें हैं नंबर वन चैनल। अच्छा आपके तो पैसे मिले ना? आपके मिल गए बस ये भी मुझे सब यही क्या मैंने लाइफ में बहुत पैसे को चीजों को मना किया जो लोगों की समझ में नहीं आता। मुझे बड़े बड़े एक्टर्स ने कहा आर यू फूल? कौन है वो बड़े एक्टर जिन्होंने आपको कहा? और उन्होंने फूल क्योंकि वो फूल्स हैं सबसे बड़े, खुद बड़े बड़े एक्टर्स को फूल्स कहा नादिया ने। वो हैं और वो आपको नजर आए, आप उनको जब देखेंगे ना हरकतें करते हुए आप कहेंगे सही कह रही हूं। कोई हिंट्स तो दें कौन? तौबा करो, हिंट्स दिए आमिर लियाकत के ऊपर। मीरा के साथ क्या हुआ था? कब? आपके मॉर्निंग शो में कितनी दफा हुआ है? किसकी बात कर? वो जो उन्होंने नूर के हाथ बार छील दिए थे। और भी बहुत सारी बातें हैं, इनमें से वही याद है। तो उससे बड़ी है कोई? उससे बड़ा वाला आइटम है तो वो पेश करें। अरे था दुबई आई थी तो वॉशरूम गई है, ब्लू साड़ी पहनी बड़ी प्यारी, और वो साथ में वो भी थे नवीद भाई, वो भी वॉशरूम जा रहे हैं। और ये ना शो शुरू होने लगा तो उससे पहले कहती मैं बेहोश हो गई हूँ ये बाथरूम में। खुद ही बता रही मैं बेहोश हो गई। अच्छा जो भी शो तो करना पड़ेगा। yes. तो उनको मैंने कहा जगाओ ले आओ लाशा, तो नवीद ने भी काफी कोऑपरेट किया। अब वो शो कर रही है, बार बार उधर देख रही है, मतलब मैं आपके साथ बैठी हूँ कोई नहीं है इस तरह।
और मैं बार बार उधर देखू। अरे मैं डर गई ना, मैं थोड़ी देर कुछ कुछ है वहाँ इसको पर नजर आ रहा है जो मुझे नजर नहीं आ नवेद नजर आ रहा है नहीं वो भी दूसरी साइड पे थे। अच्छा वो थे कैप्टन नवीद? हाँ वो थे। हाँ वो तो आते रहते थे दुबई में जब शो होता था। गुड फ्रेंड्स, दे आर मोर देन गुड फ्रेंड्स, दे आर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। मेरा तो इंट्रोडक्शन फ्रेंड का कराया था, लेकिन हमारा जो इंट्रोडक्शन है आवाम का वो फ्रेंड वाला नहीं। नादिया मुझे पता है ये मेरी फेवरेट एपिसोड बनने वाला है, मुझे बड़ा मजा आया। मैं मौका नहीं दिया, मैं तो डांस बहुत अच्छा करती हूँ, गाना बहुत ढोलकी अच्छी बजाती हूँ। ये फैसलाबाद का शो नहीं है कि इसमें आर्टिस्ट आके फिर मटका कॉन्गो डस्टली इतना शो कि मैंने अवार्ड मैं बहुत हमेशा होता था यार इसकी इन्होंने मना कर दिया ये मना। अब मैं कहती हूँ इतनी बड़ी हो गई हूँ अब मैं अवार्ड शो पर डांस करूंगी मुझे कोई नहीं रोकेगा। आप मुझे एक मौका दें, एक मौका मतलब आपके लिए तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा शौक पूरा हो जाए। डांस का मौका तो मिलना चाहिए। अरे मुझे ये हमारी सकाफत के तहत एक मौका डांस रिवायती रक्स पेश करना। लेकिन बताओ मेरे साथ कौन सा मेल एक्टर होना चाहिए परफॉर्म? आपके शब्बीर जान अच्छे लगे। व्हाई नॉट कुछ कह नहीं पाई आप? नहीं वो डांस की वैसे इतना कमाल एक्टर है, यूं कर लेंगे सनी ड्यूल भी तो करते हैं। नहीं डांस में टक्कर का चाहिए कोई। मैं कहता हूं हुमायूं सईद के साथ बहुत अच्छी लगेंगी, एजाज असलम, फैसल कुरैशी, इन सब के साथ आप अच्छी लगेंगी। फैसल कुरैशी के साथ मत करिएगा। क्यों? वो कभी भी सिंगल हो जाती वो एकदम सिंगल बंदा, मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई वो है रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल एक माहौल होता है, सिंगल बंदा कैफियत होती है, अचानक आज सिंगल वाली कैफियत चलती है।